डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ में गौकशी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक समय था जब गौकश पांव में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हो रहे थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि मुठभेड़ न होने के कारण गौकशी की घटनाएं बढ़ गई हैं। आज कंकड़खेड़ा के पठानपुरा में गौवंश के अवशेष मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इन लोगों का कहना है कि गौकशी कर कुछ लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने अवशेषों को जब्त कर लिया। हिंदूवादी नेता मंजीत सिंह ने यह जानकारी दी। पूरा प्रकरण ये है कि एक स्थान है पठानपुरा में, और यहाँ पर पिछले 15-20 दिन पहले यहाँ एक गौकशी हुई थी। उसी समय यहाँ पर मूर्तियाँ मंदिर की खंडित की गई। आज भी यहाँ मंदिर के बराबर में ही गौकशी की गई, दो गाय काटी गई हैं। और जब हम उसको सुबह सुबह सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस आई और आते ही उन सब अवशेषों को भर कर ले गई। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी जब हम लोगों को सूचना मिली, हमें वीडियो प्राप्त हुई, हम लोग यहाँ पहुँचे, अभी अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया है। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम इसमें मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ हो रही हैं मेरठ में। अभी रोहटा रोड पर भी घटना हुई है, हर्रा खिवाई में एक कल ही गोकशी हुई है। लगातार गोकशी हो रही है। मेरी प्रशासन से ये मांग है कि प्रशासन जो भी बेसहारा गायें घूम रही हैं उनको गौशालाओं में ले जाने की व्यवस्था करे, जो भी अभी हैं, क्योंकि इन जितने भी गोकश हैं इनको मौका मिलता है। अगर जंगल में कहीं भी कोई बेसहारा गायें घूम रही है, इनको ले जाना नहीं पड़ता, यार लेके आते हैं और गौकशी करते हैं। दूसरा, पेट्रोलिंग जैसे क्षेत्र है, ये शहरी क्षेत्र में आता है, यहाँ पर पेट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो पाए। अभी हमें आश्वासन दिया है कि मुकदमा पंजीकृत करके जल्दी से जल्दी इस घटना को खोलने का प्रयास इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं। मेरी SP सिटी साहब से भी बात हुई है, CO साहब से भी बात हुई है। सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि इस घटना को 24 घंटे के अंदर हम लोग खोल देंगे। ये लगातार जो ये मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम गोकश हैं, ये लोग लगातार इस तरह की घटना इसलिए कर रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, कि हम अभी भी इस सरकार में भी गोकशी कर सकते हैं। लेकिन ये लोग ये जान लें, योगी सरकार है, ऐसे ऐसों का इस तरह का इलाज होगा कि समझ नहीं पाएंगे, ये दिखाई भी नहीं देंगे गोकश को। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।